महाराष्ट्र पुलिस द्वारा जिस समीत ठक्कर को 24 अक्टूबर को गिरफ्तार कर लिया गया था, आज ना बेल मिल चुकी है। कितना बड़ा झटका लगा होगा महाराष्ट्र सरकार को, क्योंकि वो तो ये सोच रहे थे ना कि समीत ठक्कर को भी अर्णव गोस्वामी की तरह प्रताड़ित कर लेंगे। देखिए, मुझे लगता है कहीं ना कहीं अभी कल शायद उनको कस्टडी ग्रांट हुआ था, उनको पुलिस कस्टडी ग्रांट हुआ था समीत ठक्कर को, लेकिन आज कोर्ट ने बेल दे दी। ये जो एक मामला है ये जरूर रुकना चाहिए, ये अपने आप में कहीं लार्जर देन नॉर्मल सिचुएशन वाली चीज है। अगर आप देखेंगे ये जिस तरह से राज्य में खास तौर पर एक मीम शेयर करने को लेकर और कभी एक चीफ मिनिस्टर के ऊपर कमेंट पास करने को लेकर इस देश में लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है, इस समय पर खास तौर पर मनोवर राणा जैसे लोग, रवीश कुमार जैसे लोग, तमाम लोगों को अपनी टीवी की स्क्रीन्स काली कर देनी चाहिए, अवार्ड वापस कर देने चाहिए और हंगामा करना चाहिए। मैं तो कहता हूं आकर सड़कों पर बैठिए, हंगामा कीजिए, क्योंकि वही तो ये करते थे। जिस तरह से बंगाल में ममता दीदी लोगों को सिर्फ मीम शेयर करने के ऊपर जो है जेल भेज रही थी, आज उसी एकदम उसी हिटलर स्टाइल में उद्धव ठाकरे, जहां पर इंडस्ट्री है पूरी फिल्म इंडस्ट्री, वहां पर वो एक व्यक्ति को जिसने शायद सिर्फ महाराष्ट्र की सरकार को लेकर कोई क्रिटिसिज्म किया तो उसको जेल डाल रहे हैं। और करीब ये दो से तीन बार ऐसा इंसिडेंट हो चुका है कि पहली बार वो बेल मिली, फिर उनको जेल डाल दिया गया, फिर बेल मिली, फिर जेल डाल दिया गया। इस तरह की चीजें हो रही हैं। 2020 में हम एक लोकतांत्रिक देश में रह रहे हैं जहां पर एक फेडरल स्ट्रक्चर है, जहां पर कोर्ट्स हैं, लेकिन बावजूद उसके आज भी हमारे देश में एक ऐसी सरकार, कुछ ऐसी सरकारें चल रही हैं, चाहे वो ममता दीदी की सरकार हो, चाहे वो उद्धव ठाकरे की सरकार हो। इन लोगों ने तो हिटलर को भी फेल कर दिया भाई। एक जमाने में जब हिटलर था तो कम से कम ना वहाँ कोर्ट्स थी ना तमाम चीजें थी, यहां पर कोर्ट्स भी हैं, सब कुछ है, बावजूद उसके आपके खिलाफ अगर कोई विंग कमांडर बोलता है तो आप उसको पीटते हो घर में जाकर, आपके खिलाफ कोई पिक्चर शेयर कर देता है तो आप उसको गंजा कर देते हो पब्लिक में जाकर, और आज किसी ने आपको लेकर कोई क्रिटिसिज्म किया तो आपने उसको जेल में भर दिया। अर्णब गोस्वामी को किया, आम आदमी को कर रहे हैं, आप सोचिए होने वाला क्या है। मैं कहता हूं ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज इस समय है और इस देश के लोगों को, सभी को मिलकर, चाहे वो समीत ठक्कर हो, चाहे अर्णब गोस्वामी हो, चाहे कोई आम व्यक्ति हो, उसके साथ खड़ा होना बेहद जरूरी है। वरना ये जो तुगलक की फरमान वाली सरकार है ये इस देश में आने वाले समय में और खास तौर पर महाराष्ट्र और बंगाल जैसी जगहों में लोगों का बोलना बंद कर देंगे। आप किसी के मुंह पर टेप नहीं लगा सकते। मतलब ये तो ये बात हो गई कि महाराष्ट्र में अगर आप हैं तो आपको सरकार के खिलाफ बोलने की अनुमति नहीं है, महाराष्ट्र में अगर आप हैं तो आप अपने राजा के खिलाफ नहीं बोल सकते। तो महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री हैं और किम जोंग में क्या फर्क हुआ आप मुझे बताइए जरा। जब नॉर्थ कोरिया में भी वही मॉडल चलता है और महाराष्ट्र में भी यही मॉडल चलाया जा रहा है, जो भी कोई उनके खिलाफ बोलता है उसको मारा जाता है, पीटा जाता है, जेल में डाल दिया जाता है, तो बिल्कुल एक चीज बताइए ना, उन दोनों राजाओं में फर्क क्या रह गया। ये समय है इंट्रोस्पेक्ट करने का और उन लोगों के लिए बोलने का कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच क्या है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, चलो ठीक है, इस देश के बहुत सारे लोगों को अर्णब से तो बहुत प्रॉब्लम थी, चाहे वो मीडिया चैनल्स हुए, चाहे वो जितने भी ये लोग थे, रवीश से लेकर तमाम वो लोग हुए, चाहे वो इतने एकदम फ्री स्पीच का ड्रामा करने वाले लोग हुए, लेकिन समीत ठक्कर से तो इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, वो तो एक आम आदमी है, उनकी तो इनसे कोई दुश्मनी नहीं है ना, वो तो इनकी कोई टीआरपी नहीं खा रहा है ना, वो कुछ कह रहा है। कम से कम एक आम आदमी को, आम आदमी के तो साथ खड़े हो जाइए जब उसके ऊपर सत्ता में बैठे हुए कुछ लोग इतने अत्याचार कर रहे हैं। लेकिन इस देश की जनता को यह समझना पड़ेगा कि जब भी सरकार, कोई भी सरकार आपके ऊपर इस तरह का अत्याचार कर रही है तो आपको खड़ा होना पड़ेगा, वरना कल आप अगर बोलने की कोशिश करेंगे तो आपको बोलने नहीं दिया जाएगा, दबा दिया जाएगा, केसेस डाले जाएंगे, जेल में बंद कर दिया जाएगा। कम से कम यहां पर समीत ठक्कर के साथ इस देश को खड़ा होना चाहिए, महाराष्ट्र की पब्लिक को खड़ा होना चाहिए और उद्धव ठाकरे जैसे व्यक्ति को, खास तौर पर उद्धव ठाकरे जी जैसे व्यक्ति को, जिस तौर पर उनकी सरकार चल रही है, उनको एक्सपोज करना बेहद जरूरी है। क्योंकि अगर नहीं करेंगे तो वो अपनी मनमानी इसी तरह से करते रहेंगे, पहले सड़कों पर करते थे, आज मुख्यमंत्री आवास में बैठकर कर रहे हैं, फर्क कुछ नहीं है, बदला कुछ नहीं है, बस इतना है कि थोड़ी पावर और ज्यादा आ गई है तो उसको अनाप शनाप हर तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है। सर, अभी आपने जैसे कि कहा कि महाराष्ट्र में रहने वाला व्यक्ति इनके खिलाफ नहीं बोल सकता, पर हालात ऐसे हो गए हैं सरकार के, तानाशाही इतनी ज्यादा बढ़ गई है महाराष्ट्र में ही नहीं बल्कि अगर और स्टेट में भी बैठा हुआ इंसान अगर इनके लिए कुछ बोल देता है तो उसे भी उठा लेते हैं। अभी हाल ही की बात है, जैसे अभी एक यूट्यूबर को उठा लिया था इन्होंने। देखिए, वेस्ट बंगाल से अभी एक व्यक्ति को उठाया है इन्होंने, अभी वेस्ट बंगाल में एक व्यक्ति ने इनके बारे में कुछ कहा था। मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये बहुत ही खतरनाक एक ट्रेंड सेट हो रहा है इस देश में। अगर इसी तरीके से ये चीजें आगे चलते रही तो आने वाले समय में बहुत ज्यादा परेशानी होंगी। ये अलग बात है कि जिस तरह से ये इस देश में प्रेस की फ्रीडम को, लोगों की फ्रीडम को, क्रिटिसिज्म करने के अधिकार को कर्टल करते जा रहे हैं, खत्म करते जा रहे हैं, वो दिन दूर नहीं है कि ये खुद भी सत्ता में नहीं होंगे और लंबे समय तक नहीं आएंगे। लेकिन
लोगों को अगर इस तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है, हंगामा किया जा रहा है, लोगों के ऊपर अत्याचार किया जा रहा है और ये तमाम चीज़ें करी जा रही हैं, तो इसके खिलाफ देश के बाकी बुद्धिजीवी जो वर्ग है उसको आवाज़ उठानी चाहिए। अरे छोटी सी बात पर और एक हंगामे पर आप अपनी टीवी की स्क्रीनें काली कर लेते थे, अब कहाँ चले गए? एक सरकार दिन के उजाले में बैठकर आतंक कर रही है, एक सरकार दिन के उजाले में बैठकर लोगों की आवाज़ दबा रही है, एक सरकार लगातार अपने सिटीजन्स को मार रही है, पीट रही है, उनके साथ बुरा व्यवहार कर रही है। आपके टीवी स्क्रीन्स पर सबके सामने चला, आपने अर्णब गोस्वामी के केस में कुछ नहीं बोला, चलो कोई बात नहीं, लेकिन आज जब एक आम आदमी के साथ इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, कम से कम उस पर तो जवाब दीजिए और उस पर तो जवाब देना चाहिए। और अगर आप नहीं इस बात पर बोलेंगे तो कोई आपको बुद्धिजीवी नहीं मानेगा, क्योंकि कोई भी बुद्धिजीवी सेलेक्टिवली बुद्धिजीवी नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता था एक केस में मैं बहुत बुद्धिजीवी हूँ और अगले केस में मुझे कुछ पता ही नहीं है। या तो सब पर बोलिए या बोलिए ही मत फिर। सर यहाँ पे जैसे कि अभी उद्धव ठाकरे को लेकर कहा जाए तो इनका दोहरा रवैया भी कभी कभार सामने आ जाता है, जिस तरीके की चीज़ें ये करते हैं। पहले तो कोई भी इनके बेटे या फिर किसी का भी ये नाम किसी को इनके खिलाफ बोल दे तो उसे ये जेल में डाल देते हैं या फिर उसका सिर मुड़वाते हैं, जैसे कि जिस बातों का जिक्र आपने किया। पर कभी कभार ये खुद ही इस तरीके की चीज़ें करते हैं कि मेरे बेटे को और मुझे बदनाम किया जा रहा। आखिरकार इनके बेटे को लेकर किसी ने क्या कहा? देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, तो कृपया करके तो ये बेटा 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 करना बंद कर दीजिए। अब आप उस प्रदेश के चीफ मिनिस्टर बन चुके हैं और या तो आप बेबी पेंगुइन से रिज़ाइन करवा दीजिए या उनके अपने डिफेंस में उनको खुद को बाहर भेजिए। ये मतलब क्या है कि मेरे बेटे को और मुझे बदनाम करने की कोशिश की जा रही है? अरे आपके पास सरकारी तंत्र है, आपके पास पुलिस है, आपके पास स्टेट की एजेंसीज हैं, आपके पास सत्ता है, आपके पास ताकत है, आपके पास जनता का टैक्स का पैसा है लुटाने के लिए, और उस सबको आप गलत जगह पर लुटा रहे हैं, सब पे अपनी रेपुटेशन ठीक करने के लिए उठा रहे हैं। तमाम तरह की चीज़ों में तो आपसे कुछ हुआ नहीं, कोरोना में आप कुछ कर नहीं पाए, सारे कोरोना काल में बस आप बदले की राजनीति में ही लगे रहे। और जहां तक बदनाम करने की कोशिश है, अगर आप काम करेंगे तो जनता देखेगी ना। कोई कितना भी टीवी पर बदनाम करता रहे आपको, सुप्रीम कोर्ट की एक टिप्पणी है अर्णब गोस्वामी की बेल ऑर्डर में, जिसमें उन्होंने कहा है ऑब्जर्वेशन में कि टीवी देखने से सरकारें नहीं बनती और ना ही किसी भी तरह की भाषा या किसी के बारे में कुछ बोलने से सरकारें बनती हैं या चलती हैं। आप जब जनता के बीच में जाकर जनता के लिए काम करेंगे तो कहीं ना कहीं रेपुटेशन अपने आप वहां से तय होती है। आपको इसका इतना फिक्र क्यों है? वो इसलिए क्योंकि आप जनता के बीच में नहीं हैं, जनता के लिए नहीं हैं, जनता के साथ नहीं हैं। उस जब तलेजा जेल की जो बाहर की तस्वीरें थे, उस कहीं ना कहीं उन्होंने बता दिया आपको कि आपके प्रदेश की जनता आपके कितने साथ है। ऐसा मत कीजिए कि आपको पहली बार सत्ता पे गद्दी मिली और मुख्यमंत्री आप बने तो आप इसका इतना दुरुपयोग करें। जनता हमेशा याद रखेगी, महाराष्ट्र हमेशा याद रखेगा कि इस ड्यूरेशन से किस तरह से महाराष्ट्र की जनता ने हिटलरशाही देखी है और वो लाइव दिखाई दे रही है। कृपया करके इसे छोड़ दीजिए और जनता के लिए, जनता के सोशल वेलफेयर के लिए काम कीजिए। सर जितनी भी चीज़ें हुई हैं सरकार के लिए, ऐसा लगता है कि सारी जो जनता है वो उद्धव ठाकरे को सही से आईना दिखाने लगी है, क्योंकि आपने अभी जैसे कि सुप्रीम कोर्ट का नाम लिया, सुप्रीम कोर्ट ने भी इन्हें टिप्पणी करके इनको फटकार लगाई थी और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये भी टिप्पणी कही गई थी कि आज हमने अगर इन सारी चीज़ों पर फैसला ना लिया और इस पर सही कदम ना उठाया तो शायद देश गलत दिशा में चला जाए। और आज समित एक तरफ अर्णब गोस्वामी को भी बेल मिल गई थी, अब समित ठक्कर को भी बेल मिल गई है, तो जितने भी मंसूबे थे वो तो एक एक करके फेल होते जा रहे हैं सरकार के। देखिए एक चीज़ बात साफ है, इस देश में इमरजेंसी नहीं रह पाई तो बाकी कोई क्या ही रह पाएगा। इस देश में हिटलर शाही के मामले में इंदिरा गांधी जी की सरकार नहीं रह पाई तो और कोई क्या ही रह पाएगा। इस देश में अंग्रेज़ नहीं रह पाए तो उद्धव क्या रह पाएंगे। इस देश में मुगल नहीं रह पाए तो उद्धव क्या रह पाएंगे। ये बात तो तय है कि आप जब जनता पर अत्याचार करना शुरू कर देंगे तो आप चले तो जाएंगे ही, लेकिन इतना भी समय ना लगे आज के ज़माने में वो इंतज़ार करने वाला ज़माना नहीं है। 1947 वाला भारत नहीं होना चाहिए और 1975 वाला भारत भी नहीं होना चाहिए। इस देश में, इस डेमोक्रेटिक कंट्री में, इस लोकतांत्रिक कंट्री में, इस लोकतांत्रिक देश में अगर कोई भी सरकार, कोई भी मुख्यमंत्री किसी भी फ्री जनता के क्रिटिसिज्म करने के राइट्स को छीनता है, मीडिया को दबाने की कोशिश करता है, तो उसको हटा देना ही उचित है। नहीं तो इस तरह का एक एजेंडा सेट हो जाएगा और आने वाले समय में ये चीज़ें हर जगह रिपीट होंगी। और जहां तक बात उनकी हार की है, हार तो वो शुरू से रहे। पहले एक महिला ने उनको चैलेंज दे दिया तो वो उससे हारे, बदले की कार्रवाई करने चले गए। उसके बाद अर्णब गोस्वामी ने उनके बारे में उनको एक्सपोज करना शुरू किया तो उसके बदले की कार्रवाई करने के लिए चले गए। जनता के लिए सरकार होती है बदले लेने के लिए नहीं। मेरे को अगर कोई भी इस देश की, दुनिया की, मेरे शहर की या मेरी गली का
कुछ बेहतर करने के लिए कुछ ताकत मिलेगी तो उसका सदुपयोग होना चाहिए, दुरुपयोग नहीं। अगर उद्धव ठाकरे जी को एक चीफ मिनिस्टर की कुर्सी मिली है तो उसका मतलब है कि वो महाराष्ट्र की जनता के लिए काम करें, लेकिन वो जनता का लिए काम ना करके अपनी पर्सनल दुश्मनी निकाल रहे हैं, बदला लेने की कार्रवाई कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो तो जस्टिफाइड नहीं है। वो तो खुद एक हारे हुए इंसान है और ये बदला लेने की कार्रवाई तो हारा हुआ इंसान ही करता है। अगर आप सत्ता के सही में साथी हैं और अगर आप सही में सत्ता का सदुपयोग करते हैं तो आप प्रदेश की जनता के लिए काम करते हैं। जैसा कि अभी आपने कहा कि जो भी इनके खिलाफ बोलता है या फिर जो भी इनकी सच्चाई को उजागर करता है उसी को लेकर ये बदले की कार्रवाई करते हैं, और उसके बाद इनके नेताओं की तरफ से ये भी बयान दिए जाते हैं कि ये बदले की कार्रवाई नहीं है बल्कि पुलिस अपना काम कर रही है। इतनी ज़्यादा तानाशाही इनके द्वारा की जाती है और उसके बावजूद भी संजय राउत हों या फिर उद्धव ठाकरे ये कहते हैं कि हमारी सरकार 30 सालों तक चलेगी और कोई गिरा नहीं सकता। नहीं, वो उन्होंने एक्चुअली अपनी सरकार के लिए नहीं कहा था, उन्होंने ये कहा था कि जो है हमारी सरकार अब आने वाले 30 सालों तक आएगी नहीं। वो उनके जबान पर सरस्वती बैठी हुई थी और उन्होंने कहा था अपनी सरकार के लिए कि हमारी सरकार अब 30 साल के लिए नहीं आएगी। वो नहीं शायद भूल गए होंगे, क्योंकि जैसे कर्म वो कर रहे हैं उसके हिसाब से आने वाले 30 या 50 साल में भी शिवसेना रिपीट हो जाए तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। दूसरा, जहाँ तक बात उन्होंने कहा कि पुलिस अपना काम कर रही है, 65 दिन तक आप FIR इन्वेस्टिगेशन करते रहे, आपसे एक FIR तो हुई नहीं सुशांत के मामले में। मैं कहता हूँ नाम दर्ज ना सही, बिना किसी नाम के ही FIR करके इन्वेस्टिगेशन शुरू करते, वो तो आपसे हुआ नहीं। आपके जो पुलिस कमिश्नर हैं किस तरह से बात करते रहते थे तमाम लोगों से और किस तरह से बात होती थी वो तो आपने कभी देखा नहीं। किस तरह से आप बैटिंग कर रहे होते थे दिशा सालियान और इन सब के केसेस में आपने देखा नहीं। पुलिस अगर काम अपना ढंग से करती तो बहुत सारे केसेस सॉल्व हो गए होते। पुलिस अगर अपना काम सही से करती तो पालघर के साधु जिनके साथ में पुलिस बराबर में खड़ी थी और जिनको आप गन देते हो इसलिए कि जब ज़रूरत पड़े तो वो जनता के लिए उसका इस्तेमाल करें, वो अपने बगल में उस गन को दबाए बैठे रहे और एक साधु का हाथ छोड़ दिया कुछ हथियारों के बीच में और वो साधुओं को मार दिया गया डंडों से। अगर अपना काम पुलिस सही से कर रही होती तो वहीं पर एक हवा कर देते तो वो इस देश का साधु जिंदा होता। लेकिन आपने ऐसा किया नहीं, क्योंकि आपको तो नफरत है साधुओं से, आपको तो नफरत है भगवा से, आपको तो नफरत है हिंदुत्व से। वो पुराने वाली शिवसेना थोड़ी रह रही है, अब तो आप कहीं और, अब तो सेक्युलरिज्म के एक फर्जी चोले में स्यूडो सेक्युलरिज्म में आ गए हैं। तो पुलिस अगर काम करती तो इतने सारे लोग बचते, पुलिस अगर काम करती तो बहुत सारी चीज़ें बेहतर हो सकती थी, पुलिस अगर काम करती तो लॉकडाउन का पालन सही से होता, पुलिस अगर काम करती तो कहीं ना कहीं कोरोना में महाराष्ट्र बेहतर कर रहा होता। लेकिन वहां पर वो सब ना करके पुलिस ने अगर कहीं काम किया है तो उद्धव ठाकरे जी के कहने पर बदले की कार्रवाई की है और वो लगातार दिखाई भी दी हैं। और बार बार जो बेल हुई हैं और फ्री प्रेस के तमाम जो स्टेटमेंट सुप्रीम कोर्ट ने दिए, मैं उनको बार बार नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन वो उनको पढ़ लेना चाहिए। बेहतर है कि अगली बार जब कैमरे के सामने आए तो वो सारी स्टेटमेंट्स पढ़ के आए। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट आपके बारे में क्या कह रहा है और आप क्या कह रहे हो, दोनों ही कॉन्ट्रडिक्शन है। जनता के सामने ये झूठ बोलना बंद कीजिए, आप पूरी तरह से एक्सपोज हो चुके हैं और ये अभी शुरुआत है, अभी और भी एक्सपोज होंगे आप। सर, एक्सपोज तो हो चुके हैं और इसी बीच में जनता ये भी कह रही है कि उद्धव ठाकरे हो, अनिल देशमुख हो या फिर परमवीर सिंह हो, इन सभी को अपने अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से इन लोगों ने अपने पद का दुरुपयोग किया है उसी को लेकर शिवसेना के नेताओं की तरफ से जनता की बातों में ना ध्यान देते हुए फिर भी ये लोग ये कहते हैं कि बीजेपी हमारी सरकार को गिराने की कोशिश कर रही है। जनता एक तरफ अलग मांग कर रही है पर उसके बीच में ये बीजेपी गुजर देते हैं, कहते हैं कि बीजेपी हमारी सरकार को गिरा रही है। हिंदुस्तान के सबसे ज्यादा नफरत किए जाने वाले चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे बन चुके हैं, इससे पहले केजरीवाल थे, अभी उद्धव ठाकरे उस लिस्ट में नंबर वन हो गए हैं क्योंकि उनके कर्मों के कारण। आप मुझे एक चीज बताइए, कहीं बीजेपी के नेता आपको दिखाई दिए जब वो तलेजा जेल के बाहर जो भीड़ दिखाई दी थी आपने, पूरे देश में और दुनिया में हंगामा चल रहा था, वो किस तरह से लोग उनके खिलाफ बोल रहे थे, उसमें क्या बीजेपी थी? सुशांत सिंह राजपूत के केस में किस तरह से पूरी दुनिया में खड़ा हो गया था एक एजेंडा, क्या वो क्या बीजेपी थी? बीजेपी हर जगह गलत अगर कहीं होगा वो खड़ी होगी, लेकिन आप क्या कर रहे हो, आपका इंटेंट क्या है, आप किस तरह से इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो, आप किस तरह से चीज़ों को आगे बढ़ा रहे हो, उसके आधार पर सरकार बनती या गिरती है। और सरकार तो जनता गिराती है, सरकार गिराने की कोशिश बीजेपी क्यों करेगी? भाई बीजेपी कुछ कर नहीं रही है, जनता आपके खिलाफ मोर्चा खोले हुए है। अगर आप जनता के लिए काम नहीं करोगे, बदलों के काम करोगे, बदले की कार्रवाई करोगे तो आपको कुछ नहीं, जनता तो करेगी। आपको जितना कहना है आप क्या कर सकते हो? आप एक जर्नलिस्ट को अंदर डाल सकते हो, एक कार्यकर्ता को अंदर डाल सकते हो, दो लोगों को, 50 को 100 को। 12 करोड़ जनता महाराष्ट्र की है, 12 करोड़ महाराष्ट्र की जनता को तो जेल में नहीं डाल सकते। और इंदिरा गांधी ने ये काम भी करके देखा था, पूरे देश को जेल बना दिया था, उसके बाद क्या हुआ था, जैसे ही इमरजेंसी हट के इलेक्शन हुआ था वो देश जानता है। तो अगर आपको इस चीज़ का गमान है, इस चीज़ का घमंड है, इस चीज़ का अहंकार है कि आप 12 करोड़ महाराष्ट्र के लोगों को जेल में डाल देंगे, तो उनका डालकर देख लीजिए, उसके बाद आपको भी पता चल जाएगा कि आजीवन वापस घूम कर कभी सरकार में नहीं आओगे। थैंक यू सर।